कितने निकलते। अक्सर सभी वर्ग के लोग फिल्म देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं, जिनमें कॉलेज के विद्यार्थी ही नहीं बल्कि सभी उम्र के लोग होते हैं। फिल्म करीब 3 घंटे की होती है। इस दौरान अक्सर फिल्म देखते देखते कुछ खाने पीने का मन होता है, जो कि स्वाभाविक है। सिनेमा हॉल के अंदर आप खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते हैं, और इस महंगाई के दौर में फिल्म की टिकट 150 से 300 रुपए की आती है। और अगर आपको कुछ खाना पीना हो तो आपको सिनेमा हॉल के स्टॉल से ही खरीद कर खाना होगा, और स्टॉल पर आपको हर खाने पीने की चीज बाहर से 4 गुना ज्यादा कीमत पर खरीदना पड़ता है। सलमान खान की एक मूवी जय हो में भी इस तरह के लूट का एक दृश्य दिखाया गया है। हॉल में लोग अक्सर पॉपकॉर्न खाना पसंद करते हैं और पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक लेते हैं। 25 रुपए का पॉपकॉर्न 150 से 200 रुपए तक मिलता है, और 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए में। यानी आपको पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लेना है तो 300 और खर्च करने पड़ेंगे, जबकि आप यही चीज सिनेमा हॉल के बाहर 50 रुपए में खरीद सकते हैं। और इस लूट का शिकार तो हर फिल्म देखने वाले होते हैं। ऐसा क्या कानून है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते हैं? ये एक बड़ी लूट है। मैं भी एक कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, और मैं जब भी मूवी देखने जाता हूँ हमेशा भूखे पेट ही वापस आता हूँ, क्योंकि ना मुझे टिफिन लेके अंदर जाने मिलेगा, और मैं 200-300 का पॉपकॉर्न या 50-100 का समोसा तो नहीं खरीद सकता। अगर आपको प्याज भी लगी हो तो आपको सोच समझ के पानी की बोतल खरीदना पड़ता है, क्योंकि 20 रुपए की पानी की बोतल 50 रुपए की मिलती है सिनेमा हॉल की कैंटीन में। ये एक बड़ी लूट है। इस मामले में मीरा भाईंदर के भाजपा नेता देवेंद्र पदयार्थी ने आवाज उठाते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है कि देश भर के सिनेमा घरों के स्टॉल पर होने वाली इस लूट से आम जनता को बचाए। दोस्तों, क्यों हमारे देश का कानून सिनेमा घरों और मनोरंजन पार्क के गेट पर जाकर रुक जाता है? आप लोग घर का खाना सिनेमा घरों और मनोरंजन पार्क के अंदर नहीं ले जा सकते। गेट पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड आपका डब्बा लेकर वहीं रखवा लेते हैं, और आपको अंदर जाकर दुगनी तिगनी कीमत पर जंक फूड खाना पड़ता है, जबकि घर का खाना आपका मौलिक अधिकार है। मेरा मुख्यमंत्री माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि वो आम आदमी को इस लूट से बचाएं, और घर का खाना जो आम आदमी का मौलिक अधिकार है वो उन्हें दिलाएं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अगर आपको ये न्यूज अच्छी लगी तो इसे इतना शेयर करें कि ये एक आवाज बन जाए, और इस तरह की लूट खत्म हो और आम लोगों के मेहनत के पैसे बच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिटी हेडलाइंस न्यूज। हमारी और वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।